देखो इधर सेट ए में जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें आपके पास दे रखा है पी बाय क्यू विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में नहीं होता, कौन सा आना था, हाँ कौन सा कह रहे हो आप? जब टर्मिनेटिंग होता है तो डेसिमल की फॉर्म जो होती है वो डिनोमिनेटर में 2 × 5 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो यहां पर जो है इसमें आपके पास बोथ ए एंड सी वाला आएगा जिसमें आपके पास है भाई 2 और 5 की फॉर्म के ही है। नेक्स्ट देखो, टू नेचुरल नंबर हुज सम इज 85 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102। एलसीएम दिया हुआ है और दो नंबर्स का सम 85 है, एक्चुअली सबका सम ही 85 बन रहा है, तो लेकिन आपने देखना था कि किसका एलसीएम 85 आ रहा है यहाँ पर, तो वो आ रहा है डी ऑप्शन का, 51 और 34 का। मतलब सम तो देखो सबका ही 85 बन रहा है ना, तो चारों में से नहीं क्लियर हो रहा। आपने ये चेक करना था कि एलसीएम किसका 102 है, तो वो डी ऑप्शन थी, 51 और 34। नेक्स्ट देखो, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, ऑलवेज अनइक्वल एंड ऑलवेज इक्वल। हाँ, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, नेगेटिव अगर दोनों, बताती हूँ एक मिनट, कर दिया मैंने सुबह किया तो वही पूछ। देखो इधर आपको यहां पे कह रहा है एक्स स्क्वेयर जो सम ऑफ जीरोस है वो माइनस ए हो गया, अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो ए हो गया। अब प्रोडक्ट जो है वो ए आ रहा है, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव होंगे तब ये पॉजिटिव आएगा, या दोनों, इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ कंडीशन वेरीफाई हो रही है लेकिन यहाँ नहीं हो रही ना, तो इसलिए दोनों चीजें जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव वाले का जो यहाँ पे सम आप ले रहे हो वो एक्चुअली सारी कंडीशन वेरीफाई करो, इसमें जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना वो सेकंड कंडीशन ही है। कहता है कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वहां तो वेरीफाई हो रही है लेकिन यहाँ नहीं हो रही। कौन सी? कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, आप कौन सी, कोई भी, हाँ ऐसे नंबर पुट करके देख सकते थे आप इसमें, हमने भी नंबर ही डाल के वेरीफाई किया था। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना देखो क्लियर नहीं हो रहा कि कैसी ऑप्शन आनी चाहिए, तो जब भी ऐसा हो ना आप कोई नंबर लेके देख लेना, जैसे 4 4 लेके हमने चेक करा था, तो 4 अगर आप ए की वैल्यू 4 यहाँ लेते हो ना, तो जो आपके आंसर हैं वो दोनों क्या है, सेकंड वाली ऑप्शन आ रही है उसके अकॉर्डिंग। कोई और एग्जांपल लेके देख लेना, कट जाएगा तो वो इसको वेरीफाई नहीं करेगा, आप समझ गए? अगर आप जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे आप दो नेगेटिव नंबर ले लेते हो, तो नेगेटिव और नेगेटिव, जैसे मान लो -2 -2 है, आपको नेगेटिव ए चाहिए लेकिन यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया ना, तो आपकी आपको नेगेटिव आंसर चाहिए था, मतलब वो नहीं हटना चाहिए था लेकिन वो इससे रिमूव हो रहा है, तो इसलिए दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते एट अ टाइम, पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव से वहां से ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब जो जीरोज हैं वो दोनों एट अ टाइम नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? तो आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए और आपको कंफ्यूजन हो, आप कोई नंबर एक दो एग्जाम्पल लेके पुट कर लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे चलना है। क्योंकि देखो ये वाले टाइप का एक ये सम है, और एक दो क्वेश्चन हमने ऐसे क्लास में भी डिस्कस किए थे जो सम जिसमें एक क्वेश्चन शायद एक सेट में आया भी है कि तीनों जीरोज में से एक जीरो जीरो है अल्फा, ठीक है? तो वैसे वाले क्वेश्चन, या दोनों का साइन क्या होगा, या दोनों में क्या सिमिलैरिटी होगी दो जीरोज में, ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन आए
तो कोई वैल्यू पुट करके एग्जाम्पल खुद लेके कोई वेरीफाई करके देख लेना, और फिर ऑप्शन देखना कौन सी क्लोज जा रही है आपके साथ, ठीक है? क्योंकि इन क्वेश्चन में आप तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक आप एक दो एग्जाम्पल नहीं लेते। यहाँ से पढ़ के नहीं क्लियर हो रहा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको। मैं जैसे फोर लिया, आप टू लेके देख लेना, कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेना, ठीक है? एक बार नेगेटिव से भी ट्राई कर लेना, पॉजिटिव से भी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से भी ट्राई कर लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव वाली ऑप्शन थी नहीं, तो आपको यही देखना पड़ेगा या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो लेना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, जो ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसने फोर स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से ये बताना है कौन सी ट्रू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान से करने हैं, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तभी पता चलेगा। देखो इधर जो फर्स्ट कंडीशन है ये वाली, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? नेगेटिव पावर है। और पहली बात ये, अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो तो x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। हमने लिखा हुआ ये भी, x कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो कि नेगेटिव है, ठीक है? इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। सेकंड वाला ट्रू है। सेकंड क्यों ट्रू है? सेकंड वाले सेट में भी यही सेम पार्ट है। कहता है एक px पॉलिनोमियल है, उसकी जीरोस जो हैं वो x कोऑर्डिनेट को कट करती हैं। ये देखो इधर एक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट है। फॉर द पॉलिनोमियल px द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी x कोऑर्डिनेट। कहता है इसकी जो जीरो है वो x कोऑर्डिनेट है। अब x कोऑर्डिनेट है वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस। आपको पता ही है y एक्सिस पे जब ग्राफ कट करता है तो क्या होता है? y एक्सिस पे जब कोई भी लाइन कट करती है या कोई भी चीज कट करके निकलती है तो क्या होता है y एक्सिस पे? x जीरो होता है। तो यहां पे आपको कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी x कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू तो आ रही है ना, जीरो आ रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट अभी ट्रू है। एक जो सेकंड वाले सेट में है उसमें थोड़ा सा चेंज है। वहां कहता है, वहां पे कह रहा है कि y एक्सिस पे अगर कोई अगर ऐसे कट कर रहा है ग्राफ, तो कहता है यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स मतलब दो जीरोस मिल रही है। सेकंड वाले सेट में यही स्टेटमेंट है, लेकिन वहां पे कहता है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x कोऑर्डिनेट कट एट पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट पे कट करता है, पैराबोला है तो दो पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब मोर देन वन जीरो आ रही है, तो वो स्टेटमेंट वहां पर भी ट्रू है। सेम ऐसे ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पॉइंट दे रखा है, यहाँ एक सिंगल पॉइंट दे रखा है। सेकंड वाला इसका थर्ड पार्ट है, आपको इसमें कह रहा है कि इसकी जीरोस जो है वो पॉजिटिव है। अब देखो जीरोस फाइंड करनी पड़ेंगी आपको इसकी, या आप एक काम और कर सकते हो। कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हो, डी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अगर डी पॉजिटिव आता है तो इसकी डिस्टिंक्ट जीरो आएंगी। अब डिस्टिंक्ट में ये तो नहीं पता दोनों पॉजिटिव होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। वैसे पता चल रहा है क्योंकि जब भी ए का साइन पॉजिटिव होता है तो पैराबोला पॉजिटिव देता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। किया था आपने बुक में ये, मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन रीड करना, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जब ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, पॉजिटिव जब ये होता है, और अगर ए यहाँ पे नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन पॉजिटिव है ना सारी, तो पॉजिटिव आंसर ही आएंगे, पॉजिटिव जीरोज आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ना था मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, तब जाके श्योरिटी हो जाती है। सॉल्व किया था आपने? सॉल्व हो रहा था 9, 10, हाँ बी स्क्वेयर। एक मिनट ये पेज उठाना नीचे से, इसका आंसर डाउट लग रहा है मेरे को, दिखाओ एक मिनट। इसका है कि सारी फॉल्स है, ऑल ऑफ द अबव। हाँ 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 डी है, डी है, डी है, डी है, ठीक है। सुनो इधर ये क्यों डी है, एक्चुअली अगर सपोज करो इसके फैक्टर हो भी गए, जैसे मान लो इसके फैक्टर ऐसे आ गए, ऐसे मैंने वैसे लिख दिया, चलो मान लो ऐसे आ गए पॉजिटिव, अगर फैक्टर कर भी दिया आपने, तो जब आप इसको इक्वालिटी के इधर लेके जाओगे तो माइनस नाइन हो जाएगा। मैंने वैसे ही लिखे, ये फैक्टर नहीं है, मैंने तो वैसे ही लिखा है जस्ट बताने के लिए कि अगर आप इसको फैक्टराइज करके देखते तो बहुत मुश्किल था।
एक्चुअली ये इसके फैक्टर नहीं बन रहे, ये डिवाइड नहीं हो रहा ना 127, ठीक है, इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। और अगर आप एक बात और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हो, सपोज आप सॉल्व नहीं करते, आप डी निकाल लो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वो नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, देख लो, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना, 99 का स्क्वेयर करते हो, और अगर मिल भी जाते हैं तो ये श्योर, अगर डी पॉजिटिव भी आ गया तो उससे ये श्योरिटी नहीं है कि जीरो पॉजिटिव होगी। जीरो ये जरूर बताती है डिस्टिंक्ट होंगी, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग होंगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, हमें नहीं पता, वो सॉल्व करने के बाद ही डिसाइड होगा, पहले नहीं पता कुछ भी। तो बस अभी यही है कि अगर ये सारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएंगे, लेकिन जब इक्वालिटी के बाहर लेके जाओगे तो जीरो नेगेटिव बन जाएंगे। और एक और बात, जो अभी हमने इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस किया उसमें आपको कहता है कि ये नहीं था उसमें, उसमें था, देखो इधर, अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है और वो अगर वाई एक्सिस को कट करता है, मैं वैसे ही बना रही हूँ, ग्राफ दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर वाई एक्सिस को कट करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, लेकिन वहां वो कहता है एक्स की कोई वैल्यू आ रही है, लेकिन एक्स की नहीं आ रही, यहाँ पे पर्टिकुलर जीरो आ रहा है, क्योंकि पता नहीं ना पैराबोला की बात कर रहा है या किसकी बात कर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस ऐसे ही दे रखा है कि ग्राफ जो है वो यहाँ कट कर रहा है। अब वो ग्राफ किस टाइप का है ये तो पता नहीं, ठीक है, तो इसलिए बाकी का कह नहीं सकते, इस वैल्यू के लिए एक्स जीरो आ रहा है, लेकिन वहां वो कहता है एक्स का कोई कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसलिए रॉन्ग है। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी डी ऑप्शन था इसका आंसर, ठीक है। अभी जब आप चेक करोगे ना आपके पेपर, कल देखने हैं ना आप लोगों ने, उसके बाद अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, मेरे पास ये आंसर की है, मैं आपको इसकी पिक आपके ग्रुप में डाल देती हूँ, आप अपने आंसर वहां से चेक कर लेना, ठीक है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यही होंगी एग्जामिनेशन में, मैं यही एग्जामिनेशन में हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं आंसर की डाल दूंगी, आप पेज पे नोट करके ले आना और अपने आंसर टैली कर लेना उसके अकॉर्डिंग, है, वो यहाँ पे बोलेंगे सर आपको, फोन लेके सब चेक करने बैठ जाओगे, तो पेज पे लिख के ले आना और चेक कर लेना, अपने अपना सेट सबको ही पता होगा तो वो देख लेना। मैं तो अपने सब्जेक्ट की बात कर सकती हूँ, मैं तो अपने सब्जेक्ट के दे सकती हूँ और आपके आपको पता होगा वो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आंसर चाहिए होंगे, क्योंकि कुछ आंसर एक दो ठीक नहीं थे तो हमने वो जिसने जो भी फाइंड किया एनी एनी करके हमने वो दे दिए, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ही है वो, नेक्स्ट ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैच द कॉलम जो है, ये देखा जाए तो इसमें 4 पार्ट्स आ गए, एक तरह से 4 क्वेश्चन ही हो गए इसके अंदर देखा जाए तो। मिलना तो बहुत कुछ चाहिए था, किया कुछ नहीं आपने, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, अगर आपने इसमें से कोई भी दिया है तो ठीक मिल जाएगा। 5th का आंसर है डी पार्ट, इजी था, ये था, ये था, इसका आंसर भी -3 आ रहा है, चुप कर, दोनों साइड का आंसर, ये बाहर जाना, दोनों साइड का आंसर -3 आ रहा था, सम ऑफ जीरोस भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी, तो ये आ गया, ठीक है। 6th का आंसर आपको बता ही दिया, एनी पे दिया है। हाँ, एक और बात, अच्छा सुन लो ये वाली बात भी, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्या आंसर किया इसका, बोथ, मैंने आपको बुक में एक पैराग्राफ बताया था रीड करने के लिए, डिपेंडेंट वाले का पैराग्राफ था, मैंने मार्क भी करवाया था, वो रीड कर लेना। हाँ, अब सुनो एक मिनट, एक चीज ना, ये अब नोट कर लो, अगर आपके पास अपनी बुक है तो उसी के बैक पे लिख लो, एक चीज लिखो, जरा लिखो, एक मिनट लिखो, मैंने लिखवाना है ये आपको, नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक में क्लियरली गिवन नहीं है, बुक में ना पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ के भी क्लियर नहीं हो रहा, लिखो जरा, डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट जो है हमने पहले किया था यूनिक, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, लेकिन बुक में ना उस पैराग्राफ में दोनों ही दे रखे हैं, लेकिन उस पे वहां पर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बार नोट कर लो, इसके अकॉर्डिंग करना आप जो भी करोगे, क्योंकि जो अब लेटेस्ट आए हैं ना उसके अकॉर्डिंग वहां से चेक किए, ये दिया हुआ, और नेट पे भी क्लियर नहीं दिया हुआ,
तो जो अब चेंजेस के अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं ये नोट कर लो आप, यही करना है आपने। डिपेंडेंट में लिखो इनफाइनाइट, डिपेंडेंट में लिखो इनफाइनाइट। एक्चुअली डिपेंडेंट वो पता है क्या कह रहे हैं कि एक लाइन दूसरे पे कंप्लीट डिपेंड है, मतलब हर वैल्यू सेम आ रही है, तो डिपेंड हो गई, तो डिपेंड में वो आपके पास इनफाइनाइट ले रहा है, लेकिन बुक में जो पैराग्राफ है उसमें क्लियर नहीं हो रहा, दोनों लिए हुए हैं, लेकिन आप ये करना न्यू के अकॉर्डिंग। डिपेंडेंट में आप लोगे इनफाइनाइट और इंडिपेंडेंट में आप लोगे यूनिक, ठीक है। एक्चुअली इंडिपेंडेंट में यूनिक वो इसलिए कह रहे हैं, कहते सिर्फ एक वैल्यू ही तो कॉमन है। इंडिपेंडेंट यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू कोई कॉमन है बाकी सारी अलग है, तो मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड नहीं है इसलिए इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो इनफाइनाइट होती है उसमें सारी वैल्यूज के ऊपर लाइन कोइंसाइड करती है, मतलब हर वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट में इनफाइनाइट और इंडिपेंडेंट में यूनिक, नो सॉल्यूशन तो आता ही नहीं ना, वो इनकंसिस्टेंट होता है। नो सॉल्यूशन जो होता है वो तो होता ही इनकंसिस्टेंट है, और जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है वो कंसिस्टेंट के लिए होते हैं। ये लाइन मैंने मार्क करवाई थी आपको बुक में कि जितने भी डिपेंडेंट वाले सिस्टम हैं या इंडिपेंडेंट, मतलब जो कंसिस्टेंट है वो इसका पार्ट होते हैं, जो इनकंसिस्टेंट है वो कहीं नहीं आते। अब इसका आंसर है डी पार्ट, बोथ ए एंड डी, मतलब कंसिस्टेंट भी है, आपको बता रही है कंसिस्टेंट तो होता ही है, कंसिस्टेंट का मतलब आंसर मिल रहा है, आप समझ रहे हो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें आंसर मिलते हैं, चाहे एक मिले या ज्यादा मिले, तो दोनों ही केसेस में आंसर आपको मिलते हैं, तो कंसिस्टेंट तो है ही है। और सेकेंड पार्ट में कहता हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसका दोनों ही आंसर है ए एंड बी, डी ऑप्शन हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब जो ये नोट करवाया ना दोबारा नहीं याद रहेगा, आपने जहां पर भी लिखा है अपनी बुक पे ही लिख लेना ताकि आप रिवाइज कर लो, इसी टॉपिक के अंदर ही ऊपर लिख लो ताकि रिवाइज कर लो आप दोबारा। अब जो स्टेटमेंट था मैं, ये तो इजी था, एज वाला जो था ये मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर लिया होगा ये वाला, इसमें नहीं प्रॉब्लम होगी। डिस्टेंस एट्थ का आंसर, एट्थ का है सी पार्ट, एट्थ का आंसर है सी पार्ट। नाइन्थ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, ये क्वेश्चन किया हुआ था हमने, किया हुआ था डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट एस किया हुआ था ये सेम क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन का आंसर था ए पार्ट, टेंथ क्वेश्चन ए पार्ट, कौन सा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स कॉमा जीरो पॉइंट लेना था, इक्वेट करना था सेक्शन फॉर्मूला के साथ, रेशियो फाइंड करनी थी, कौन सा फॉर्मूला लगाना था, के वाला, और कंपेयर करना था। इलेवेंथ क्वेश्चन, हां जी दीक्षा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड को नहीं कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द थ्री वर्टिसेस को ऐड करना था, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री, इक्वेट करना था, ठीक है। सेंट्रोइड गिवन था, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसका आंसर था डी पार्ट। अच्छा मीडियन के लिए क्या करना था, आपको ये पता है कि मीडियन जो होता है वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये ए बी सी गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन और क्या करना था, इसकी लेंथ निकालनी थी, लेंथ कैसे निकालनी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो इसका आंसर था 5 यूनिट्स डी पार्ट। 13 भी इजी था, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी और पुट कर देना था, हां जी 13th का आंसर है ए पार्ट 30। 14th क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, प्रूफ में सब जगह पे दिया हुआ है क्वेश्चन, हर बुक में मिलेगा, सारे सैंपल पेपर में भी है। 14th क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, इसका आंसर था बी पार्ट प्लस वाला, टेन स्क्वेयर ए प्लस टेन रेज टू पार्ट 4,
15 भी इजी था, cos 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज cos 0, एक्चुअली cos 0 1 होता है ना, तो पूरी लाइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 आना था इसका आंसर। 16 में एनी आंसर नहीं, कह एनी ठीक है एनी। हाँ जी, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल फ्रेम होता है? 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 10 मिनट में, तो एंगल का फॉर्मूला लगा देना था एरिया का। आंसर है 17th का बी पार्ट, 18th का बी पार्ट, 19 का सी पार्ट, 82 सेंटीमीटर। ये तो बुक का ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, थोड़ा सा बस डायमीटर बोला हुआ था निकालने को। 18 का बी। हाँ जी, 20 क्वेश्चन का, हाँ हाँ नहीं एनी एनी, तो क्या है आपने क्या किया है, मिलेगा एक्चुअली ऑप्शन वो थोड़ा सा आंसर में था। हाँ बताऊं कौन सा क्वेश्चन है, एक ही मेरा देना पेपर, इधर चुप करो पहले, आंसर की दे। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9। इतना रिकॉर्डिंग चल रही है, इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। हाँ जी, 20th क्वेश्चन में आंसर था 51, बस आउटकम बतानी थी, प्रोबेबिलिटी तो निकालनी नहीं थी। नेक्स्ट का था सी बाय ए, करा हुआ था ये क्वेश्चन भी, सम ऑफ जीरोस में एक जीरो निकल गई, सी बाय ए। 22 क्वेश्चन का प्लस माइनस 5, 23 का, 23 का बी, 22nd का है डी प्लस माइनस 5, 23 का डी, 24 का सी, ये भी इजी था बुक में, इस तरह का पता नहीं कोई एग्जांपल वगैरह हमने करा था शायद, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन लिखनी थी, एक गिवन है दूसरी बनानी थी, इतना इजी क्वेश्चन है। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो जिसमें ये कंडीशन आ रही थी वो सी पार्ट था, बुक में था तो सही ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन था उसमें एक इक्वेशन गिवन थी, दूसरी बनानी थी, यहाँ दी हुई थी, बस यही देखना था। 25th का बी पार्ट, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बी पार्ट, इसका आंसर है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अरे इक्विडिस्टेंट था, PA इज इक्वल टू PB करना था, डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वेयरिंग करके स्क्वेयर रूट कैंसिल कर देने थे। राहुल सीधे बैठ, छियांक आप भी सीधे हो जाओ। 26 में करना था एरिया ऑफ रोम्बस, दैट इज हाफ d1 इनटू d2, पहले एक डायगोनल निकालना था, फिर दूसरा, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा देना था। इसका आंसर था 24 स्क्वायर यूनिट। अरे एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इनटू d2, और तो कुछ हो ही नहीं सकता था, और कैसे कर सकते हो। मेरे को जहां तक लगता है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने किया भी था ऐसे, एरिया का फॉर्मूला एक बार डिस्कस भी किया था हमने। डायगोनल्स एक्चुअली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स की लेंथ तो गिवन नहीं थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला है, तो डायगोनल की लेंथ ही नहीं गिवन थी, वही तो निकालनी थी पहले। अरे अरे वो इक्वल ही नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग गई। एक मिनट सुनो, इधर आपके पास
ये देखो इधर रोम्बस गिवन है, हाँ जी रोम्बस गिवन है, ये आपके पास ये गिवन है वर्टिसेस, आप वर्टेक्स से सपोज करो ये निकाल भी लेते हो तो ये और ये इक्वल थोड़ी है, आपने पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाई है तो ये तो दोनों ही अननोन है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा दी? कौन सा यही तो हमने किया भी तो हाफ इंटू डी वन इंटू, आपने जो लगाया ना मेथड वो रॉन्ग है, आपने सोचा नहीं लगाने वक्त कि दोनों ही अननोन है, पाइथागोरस थ्योरम से हाफ निकाला कैसे, दोनों ही अननोन है वो कैसे आ गया? या तो एक गिवन होता तो दूसरा आ जाता, या हाफ गिवन होता उसका डबल कर लेते। अरे उसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगती ही नहीं। इधर सुनो आप कह रहे हो मैंने इसमें लगा दिया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, अंदर लगाते तो शायद फिर कुछ पता चल जाता कि क्या गलती है, यहाँ लगा के तो कुछ आना ही नहीं था। ये जिस भी सब्जेक्ट का जितने का पेपर है उसका 40%, हमारा पेपर 40 का था तो हमारा 16 है, बाकियों का आपका 35 का भी तो था एक, जिसका जितने के मैक्सिमम मार्क्स है उसका 40% पास क्राइटेरिया। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 27 का है ए पार्ट, √3 साइन ए हाफ दिया हुआ है, कॉट ए फाइंड करना था, √3 आ गया। 28th क्वेश्चन में सी पार्ट था आंसर 5/3, ट्राइंगल गिवन था, दो साइड्स गिवन थी, सेक ए फाइंड करना था, ठीक है। 29th क्वेश्चन बी पार्ट, ये तो बहुत इजी था, बच्चे कहते हैं आंसर ही नहीं दिया हुआ इसमें, साफ पता चल रहा है, और आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। 30th क्वेश्चन भी सेम है, बुक का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट डी ऑप्शन। अरमान अरमान क्लास बंद कर अपनी इधर चलो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 31 और का केस था मल्टीपल ऑफ 3 और 7, और का मतलब होता है 3 के मल्टीपल्स भी लेने थे प्लस 7 कॉमन वाले माइनस, कॉमन था नहीं तो एक्चुअली कॉमन क्यों नहीं था क्योंकि 3 और 7 का जो एलसीएम आता है 21 आता है तो, लेकिन टिकट जो है वो 320 तक तो 21 वाला नहीं आ सकता था तो दोनों को प्लस करके आंसर था 2/5, 8/20 आ रहा था कटिंग करके 2/5 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन 2/5। 32 का आंसर है बी पार्ट, फिर भी नंबर नहीं लिए, फिर भी नहीं लिए। 32 क्वेश्चन का आंसर है डी पार्ट, दैट इज 13। 33 जो केस स्टडी है उसका आंसर है 33 का बी, 34 का ए, 35 का ए, 36 का सी, सी ए पार्ट। नेक्स्ट भी इजी था, उसमें 37 में बी पार्ट, 38 का आंसर सी, 39 का बी, 40 का ए, बी। इसी सेट की बात कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा हाँ 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 बिल्कुल ठीक, ये तो तूने सोचा बाकियों का पता नहीं। हाँ जी सेट बी के आंसर भी बता देते हैं, मैं आंसर बोल देती हूँ आप लिख लो। हाँ जी सेट बी, एक बार बोलना है ध्यान से सुन लो, फर्स्ट का डी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का एनी, सेवंथ का डी, एट्थ का ए फर्स्ट पार्ट, नाइन्थ का एनी, टेंथ का बी,
इलेवन का सी, ट्वेल्व का डी, थर्टीन का सी, फोर्टीन सी, फिफ्टीन बी, सिक्सटीन बी, सेवनटीन ए, एटीन सी, नाइनटीन सी, ट्वेंटी का भी सी, तीनों का सी है लास्ट, तीनों का। ट्वेंटी वन डी, ट्वेंटी टू किसका सेट था ये? ट्वेंटी टू का क्या था आंसर? सी सी। ट्वेंटी थ्री का ए, ट्वेंटी फोर का बी, ट्वेंटी फाइव का भी बी, ट्वेंटी सिक्स का, ट्वेंटी सिक्स का बी, ट्वेंटी सेवन का बी, ट्वेंटी एट का सी, ट्वेंटी नाइन, थर्टी, थर्टी वन, थर्टी टू, थर्टी थ्री बी, थर्टी फोर, थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स, थर्टी सेवन बी, थर्टी सेवन का बी, थर्टी एट का, ये किसका रॉन्ग था? थर्टी नाइन, थर्टी नाइन का डी, क्या हुआ रॉन्ग है? नंबर क्यों कटे हैं फिर? फोर्टी सी, हाँ कितने रॉन्ग? ठीक है, इसके दवनेश के कितने रॉन्ग है दवनेश? अच्छा करना चाहिए था वैसे पेपर की, इतना भी ज्यादा कोई एक दो क्वेश्चन तो चलो होने थे। ये कौन है? दो,